मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नवजीवन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने घरों में सेफ एंड सिक्योर होंगे। आज मैं अपना सेकेंड यूट्यूब चैनल का सेकेंड वीडियो कह सकते हैं वो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको इसके आगे के प्रोसेस के बारे में बताऊँगी कि मैं कैसे अपने आगे के जर्नी को स्टार्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना है कि मैंने ये चैनल उन हाउसवाइफ्स के लिए चलाया है जो अपने घर पे हैं और अभी खासकर लॉकडाउन के टाइम में घर पर हर लेडीज़ एंड जेंट्स हैं, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो पता कर सकते हैं कि किस तरह का उनका सोच है, वो क्या करना चाहती हैं, और इससे वो उनके हॉबी के बारे में जान के उनकी मदद कर सकें ताकि वो आगे बढ़ने में हर एक फील्ड में अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही मैं अपने बात को आगे बढ़ाती हूँ कि मैं इस चैनल को और किस किस व्यूअर्स के लिए इसे बनाया है ताकि किसी से हेल्प हो सके। सबसे पहले तो मैंने बताया कि यह मैंने हाउसवाइफ्स के लिए बनाया है। दूसरा इसका इंट्रो है कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी खासकर हेल्प करना चाहती हूँ जो अभी फ्रेशर्स हैं मेरी तरह। मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले अपने करियर के लिए कुछ कदम बढ़ाए हैं। पहले तो मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, तो ग्रेजुएशन से जो भी नीचे लेवल के बच्चे हैं, जैसे जो अभी 10th में है, 12th में है, और आजकल तो सभी बहुत छोटे उम्र में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की ओर आगे बढ़ना है और उसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उससे संबंधित किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए, तो वो तो आपको हर यूट्यूब के चैनल पे हर तरह का जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ जो आप 12th में हैं या जो लेडीज़ हैं जो अपने घर पे हैं या जेंट्स हैं जो घर पे बैठे बैठे ही अपने जॉब को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके साथ साथ इस सिविल सेवा परीक्षा की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें मैं कुछ मदद कर सकूँ। क्योंकि हर एक के पास बेसिक से बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है और उतना समय भी नहीं होता है किसी के पास कि कैसे इसे पूरी तरह से कलेक्ट किया जाए, कहाँ से लाया जाए, नहीं लाया जाए। तो इन सबको कलेक्ट करने का काम मेरा है और मैंने बहुत सारे 2 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी किए हैं, तैयारी भी कर रही हूँ और साथ साथ एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, छोटी सी मदद है मेरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और भी लोगों की मदद हो सके मेरा। तो इसलिए मैं आपको अपना इंट्रो बताऊँ, इस तरह से मैंने अपना प्लान किया है। और आगे का प्लान ये है कि अगर आप BPSC से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहती हैं तो मुझे पता चले, जैसे कि कोई लेडीज़ हैं वो जानना चाहती हैं कि कब तक मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ, कब तक मैं तैयारी कर सकती हूँ, वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको इकट्ठे एक जगह कोई नॉलेज चाहिए कि मुझे घर बैठे ही अगर सब कुछ मिल जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मेरे पास थोड़े मोड़े जो भी नॉलेज हैं, जो भी मैंने कलेक्ट किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मेरी मदद करते जाएंगे तो दिन ब दिन जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया है, जो मेरे पढ़ने का स्टडी करने का तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगी और आप लोगों की मदद करूँगी, ताकि जिस तरह से मैं फील करती हूँ कि कोई मेरे साथ शेयर करने के लिए हो। स्कूल टाइम्स में मैं अपने दोस्तों के साथ हर तरह के चैप्टर को या किसी भी सिलेबस को इस तरह से शेयर करके पढ़ाई करती थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसान होता था और मुझे बहुत जल्दी याद भी हो जाता था। हर एक सिलेबस, हर एक चैप्टर बहुत जल्दी याद हो जाता था। प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं कोई भी नोट्स बनाऊँ, किसी तरह का भी जो भी कन्फ्यूज़न है, कोई कन्फ्यूज़न है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। इससे ये होगा फ़ायदा कि मुझे भी कुछ शेयर करने का मौका मिलेगा जिससे मैं भी कुछ पढ़ूँ और आप लोगों को भी जानने का इच्छा हो जो मैं पढ़ चुकी हूँ, जो 10th की, NCERT, 11th की जो भी ज़रूरत पड़ती है, वो सब के बारे में मैं आपको बता सकूँ अगर आपको ज़रूरत है। या फिर किसी और फील्ड में अगर कोई लेडीज़ कुछ करना चाहती है, उससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई जानकारी है तो मैं आपको दूँगी। तो आज का इंट्रोडक्शन का यही मेन वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी आगे जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट करेंगे, उस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपकी मदद करूंगी। और खुद की अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है जैसा आप लोग जानते हैं, तो बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारे बुक्स वगैरह अभी मेरे पास आने को हैं। अभी मैं उसके नोट्स को फिर तैयार कर रही हूँ धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते जाएंगे कि मुझे इस तरह का नोट्स चाहिए, अगर 11th 12th से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और भी छोटे मोटे जो भी नोट्स मैं बनाऊँगी
मैंने सोचा है कि इसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट वाइज जैसे जैसे आपको मैंने प्रिपरेशन अपना शुरू किया है जहाँ से कैसे इसे तैयारी करना शुरू करें, किस तरह से अपने बिजी शेड्यूल में इसे अब फिट करें ताकि आप भी मेरी तरह थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। लोगों का भी ऐसा कमेंट्स आ रहा है कि ऐसा तो है, ये वीडियो तो आपकी सही है लेकिन ज्वाइंट फैमिली और बच्चों के साथ बेबी के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मुश्किल तो होता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं। थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा बच्चों के साथ, बच्चे तो हैं ही, फैमिली तो है ही, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे देखना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा करना है जिससे बच्चे और फैमिली को आप पर गर्व हो। ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको ऐसा फील हो कि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, फैमिली तो बढ़ती रहेगी, लेकिन फैमिली आगे चल के ऐसा ना कहें कि तुमने क्या किया, तुम्हें तो मौका मिला था पर तुमने कुछ नहीं किया। बाद में खुद को कोसने से अच्छा है कि खुद को एक मौका दीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। इसके साथ आगे प्रिपरेशन करूँ लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या नोट्स बनाने हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के लिए भी जो हाउसवाइफ नहीं है उनके लिए भी मैं ये चैनल चला रही हूँ, अगर आपकी भी मैं मदद कर सकूँ तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर हाउसवाइफ जो कर रही हैं, खास करके बिहार जो है हमारा, उसमें लेडीज़ अपने बात को खुल के बोल नहीं सकती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये कुछ भी खुल के किसी को बता नहीं सकती हैं, तो ये चैनल मेरा आपके लिए है। आप खुलकर मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहती हैं, BPSC हो, कोई भी SSC हो, बैंकिंग हो, किसी भी तरह का रिलेटेड कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहती हैं और आप फैमिली या किसी भी और प्रेशर के कारण नहीं बता पा रही हैं अपने फैमिली को, या फिर आप डरती हैं कि कोई जानेगा, कोई सोचेगा कि ये अपने लिए करना चाहती है, ये बढ़ना चाहती है, तो वो सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होगा। अगर आप अच्छे और सच्चे कर्म से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी इंसान नहीं है जो आपको रोक सकता है। इसलिए थोड़ी सी मदद आप हमारी कीजिए और थोड़ी मदद मैं आपकी करती हूँ। ज़रूर आप आगे बढ़ें और मुझे बताएं कि आप क्या चाहती हैं हाउसवाइफ के लिए। जेंट्स तो खुलकर बताते हैं कि मैं ये तैयारी करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को खुद कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उस लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने हाउसवाइफ पे जोर दिया है कि वो बता नहीं सकती, वो खुल के बोल नहीं सकती कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो उनके लिए मैं ये खास करके बोल रही हूँ कि आप खुलकर मुझसे बात करें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जो आप चाहती हैं उससे भी रिलेटेड बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर जॉब करती हैं लेडीज़ वही कुछ कर सकती हैं, आप घर पर भी कर सकती हैं। जब जैसा सिचुएशन हो उसमें वैसे ढल जाना चाहिए इंसान को। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बाहर भी जाए। यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने मन की बात मुझसे कीजिए, जो भी हाउसवाइफ हैं और जो प्रेशर्स हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है अपनी पढ़ाई में, जो छोटे गांव में हैं, कस्बों में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। उन लोगों तक ये नहीं पहुंचता है कि मैं ये बुक्स पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मिल नहीं रहा है, इसके बारे में मुझे कहीं से नोट्स मिल जाए। अगर यूट्यूब पर मिलता भी है तो बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो सब्सक्राइब करने पर फी ले रहे हैं, तो उसके लिए आप नोट्स बनाएं वगैरह वगैरह, जो भी आपको ज़रूरत है आप मुझे खुल के बताएं और मैं आगे उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। सलोन खत्म होने के बाद से मैं अपना वो वीडियो शुरू करूंगी और सिलेबस वाइज या चैप्टर वाइज या जैसे भी आप टॉपिक वाइज चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे इस टॉपिक में है, तो फ्रेशर्स के लिए मैं वो कर सकती हूँ। और हाउसवाइफ के लिए तो मैंने बताया है कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप जब भी चाहें, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। धन्यवाद।